दोस्तों आज हम बात करेंगे चार धाम की। भारत के चार धाम हैं बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारिका गुजरात, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, रामेश्वरम तमिलनाडु। क्यों मनाया गया ये चार धाम? ग्रंथों के अनुसार प्राचीन तीर्थ स्थलों पर जाने से पौराणिक ज्ञान बढ़ता है, देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं और परंपराएं मालूम पड़ती हैं, प्राचीन संस्कृति को जानने का मौका मिलता है, मंदिर के पंडित और आसपास के रहने वाले लोगों से संपर्क होता है जिससे अलग अलग रीति रिवाजों को जानने का अवसर मिलता है, भगवान भक्ति से जुड़ी मान्यताओं की जानकारी मिलती है जिनका लाभ दैनिक जीवन में पूजा में मिलता है। इसलिए चार धामों को अलग अलग दिशाओं में स्थापित किया गया है। जो चार धाम हैं वो अलग अलग दिशाओं में स्थापित किए गए हैं। अब बात करते हैं हम पहले धाम बद्रीनाथ धाम की। यह तीर्थ बद्रीनाथ के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है। यह अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। माना जाता है कि इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने की थी। इस मंदिर में नर नारायण की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक होता है। यहाँ पर श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ पर वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बद्रीनाथ धाम में कपाट अप्रैल के आखिरी या मई के शुरुआत दिनों में दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। लगभग 6 महीने तक पूजा के बाद नवंबर से दूसरे सप्ताह तक मंदिर बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरा धाम है जो द्वारिका धाम। गुजरात के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे बसी हुई द्वारकापुरी को चार धामों में से एक माना जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित तीर्थ है। ये तीर्थ पुराणों में बताई गई मोक्ष देने वाली 7 पुरियों में से एक है। अपने भारत देश में जो 7 पुरी हैं उनमें से एक माना जाता है, एक पुरी मानी जाती है। माना जाता है कि इसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। स्थानीय लोगों और कुछ ग्रंथों के अनुसार असली द्वारका तो पानी में समा गई है, जो पहले की द्वारका थी वो पानी में समा गई है, लेकिन कृष्ण की इस भूमि को आज भी पूज्य माना जाता है। इसलिए द्वारका धाम में श्री कृष्ण की पूजा, उपासना, वंदना, आराधना की जाती है। पहली की जो द्वारका थी वो पानी में समाहित हो चुकी है। अब बात करेंगे हम जो तीसरा धाम है उसकी बात करेंगे। आइए तो बात करते हैं तीसरे धाम की। तीसरा धाम है पुरी धाम। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में 3 मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा हैं। ये तीर्थ पुराणों में बताई गई 7 पवित्र पुरियों में से एक है। यहाँ हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में दुनिया भर से भगवान श्री कृष्ण के भक्त आते हैं। यहाँ मुख्य रूप से भात का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जो पुरी धाम है यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का पूजा की जाती है और यहाँ पर प्रसाद के रूप में भात चढ़ाया जाता है। अब बात हम करते हैं चौथे धाम की। चौथा धाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक पवित्र स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इसको भी भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से माना जाता है। इस मंदिर में एक शिवलिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह तमिलनाडु के समुद्र के किनारे बसा हुआ है। जिस प्रकार से उत्तर भारत में केदारनाथ और काशी में काशी की मान्यता है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में इसकी भी ऐसी ही मान्यता है। एक जगह पर जो शिवलिंग, उसकी स्थापना खुद भगवान श्री राम जी ने की थी। यह हिंद सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक टापू है। बहुत समय पहले यह टापू भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था। जो ये टापू था पहले भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था। तो अब अपन ने बात करी चार धामों की। पहला धाम बद्रीनाथ धाम, दूसरा द्वारका धाम, तीसरा पुरी धाम और चौथा रामेश्वरम धाम। तो दोस्तों आशा है कि आप इन धामों के बारे में जानकारी जान चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट।